अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू ऑनलाइन लेक्चर सोशल स्टडीज़ क्लास 5। डियर स्टूडेंट्स, इन द प्रीवियस लेक्चर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द डिफरेंट काइंड्स ऑफ मिनरल्स एंड सम ऑफ द पावर रिसोर्सेज दैट आर यूज्ड इन पाकिस्तान एंड डिफरेंट मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक मिनरल्स that are found in Pakistan. Now, let's talk about the next topic. The next topic is other resources of power. Thus, to meet the needs of a rapidly growing population, more power is required to run industries, residences, hospitals, educational institutions and commercial buildings. पाकिस्तान की बढ़ती हुई आबादी के साथ ज़्यादा पावर प्रोड्यूस करने की ज़रूरत है, जो इंडस्ट्रीज़, हॉस्पिटल्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस और बिल्डिंग्स के लिए इस्तेमाल हो सके। पाकिस्तान लाइक अदर कंट्रीज़ ऑफ अ वर्ल्ड इज़ ट्राइंग टू डेवलप अल्टरनेटिव एनर्जी टू मीट दीज डिमांड्स। और पाकिस्तान दूसरे ममालिक की तरह दूसरी इकसाम की एनर्जीज को भी तैयार करने की कोशिश कर रहा है। अल्टरनेटिव्स एनर्जी मींस एनर्जी विच इज़ प्रोड्यूस फ्रॉम सोर्सेज अदर देन वाटर, फॉर एग्जांपल विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी। पाकिस्तान विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी को तैयार करने और उसे प्रोड्यूस करने के जो वेज हैं उनको भी तलाश कर रहा है, वो भी बनाने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान इज़ करंटली डेवलपिंग विंड पावर प्लांट्स इन झम्पीर, घेरो, कैटी बंदर एंड बिन कासिम इन सिंध। वी यूज़ सम सोलर एनर्जी टू, हम सोलर एनर्जी का भी इस्तेमाल करते हैं। इट शुड बी पॉसिबल फॉर अस टू डेवलप मैनी मोर सोलर एंड विंड एनर्जी यूनिट्स एट द सोर्स ऑफ दीज फॉर्म्स ऑफ एनर्जी इज़ अवेलेबल फ्री एंड इन अबंडेंट क्वांटिटी। विंड एनर्जी और सोलर एनर्जी अबंडेंट क्वांटिटी में हमें मिलती है बिकॉज दीज टू आर द नेचुरल सोर्सेज ऑफ पावर और इलेक्ट्रिसिटी। फॉर एग्जाम्पल देर इज़ अ लॉट ऑफ सनशाइन इन पाकिस्तान, इवन आवर शॉर्टेस्ट डे इज़ 9.5 आवर्स लॉन्ग। क्योंकि पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सूरज की रोशनी होती है, यानी सूरज बहुत ज़्यादा लंबे अरसे तक के लिए चमकता है, और सबसे लंबा जो दिन है वो 9.5 आवर्स का होता है। हाउएवर द कॉस्ट ऑफ जनरेशन इलेक्ट्रिसिटी इन दीज वेज इज़ हाई एंड रिक्वायर्स लॉट्स ऑफ इन्वेस्टमेंट। लेकिन इसे जनरेट करने के लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट और इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत है। बायोगैस डिराइव फ्रॉम एनिमल वेस्ट, काउ डंग ऑन फार्म्स वॉज फर्स्ट इंट्रोड्यूस इन अ स्मॉल वे इन 1974। बायोगैस एनिमल वेस्ट से हासिल की जाती है और इसे इंट्रोड्यूस 1974 में करवाया गया। अ नेशनल प्रोग्राम वॉज लॉन्च्ड इन 1980 to 81 by 1985 to 6 मोर देन 4,000 बायोगैस यूनिट्स वर इन ऑपरेशन मोस्टली इन द रूरल एरियाज बट मोस्ट ऑफ देम हैव बीन क्लोज्ड नाउ। लेकिन बायोगैस के यूनिट्स जो हैं वो अब बंद किए जा चुके हैं। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज़ इंडस्ट्रीज। पाकिस्तान बिगैन विद अ वीक इंडस्ट्रियल बेस बट ग्रेजुअली वेरियस टाइप्स ऑफ इंडस्ट्रीज वर सेटअप। पाकिस्तान ने अपनी इंडस्ट्रियल बेस जो है वो जब स्टार्ट की तो वो इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता पाकिस्तान में बहुत सी इकसाम की इंडस्ट्रीज़ सेट हो चुकी हैं। मेजर इंडस्ट्रियल ग्रोथ टुक प्लेस इन द 1960s। ईच गवर्नमेंट हैज़ इनकरेज द यूज़ ऑफ लोकल रॉ मटीरियल्स एंड द डिवेलपमेंट ऑफ कॉटेज इंडस्ट्रीज। टुडे देर आर सेवरल इंडस्ट्रियल यूनिट्स रन बाय द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट कंपनीज। दे मैनुफैक्चर अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स फॉर लोकल यूज एंड एक्सपोर्ट्स एंड प्रोवाइड एम्प्लॉयमेंट फॉर अ लार्ज सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन। आज पाकिस्तान में बहुत सी इंडस्ट्रीज काम कर रही हैं जो गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर्स में पाई जाती हैं। वो ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करती हैं और ऐसी प्रोडक्ट्स बनाई जाती हैं जो एक्सपोर्ट भी की जाती हैं, और इससे आबादी में एम्प्लॉयमेंट रेट भी कम किया जा रहा है। लेट्स टॉक अबाउट कॉटन, वूल एंड सिल्क।
द कॉटन इंडस्ट्री इज़ यूजली इम्पॉर्टेंट टू पाकिस्तान. पाकिस्तान के लिए कॉटन इंडस्ट्री बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल है. इफ़ वी टॉक अबाउट आर्ट सिल्क इज़ आर्टिफिशियल सिल्क. पाकिस्तान इम्पोर्ट्स आर्ट सिल्क यार्न प्रोड्यूसेस अ सिग्निफिकेंट क्वांटिटी ऑफ आर्ट सिल्क टेक्सटाइल्स एंड एक्सपोर्ट्स देम. देर आर ओवर 9,000 लूम्स इंस्टॉल्ड थ्रू आउट द कंट्री. सेंटर्स ऑफ द आर्ट सिल्क इंडस्ट्री आर बेस्ड इन कराची, गुजरांवाला, मुल्तान एंड फैसलाबाद. दीज आर द सिटीज़ वेयर आर्ट सिल्क इज फाउंड एंड प्रोड्यूस्ड. हेयर इन दिस मैप यू कैन सी डिफरेंट इम्पॉर्टेंट सिटीज़ ऑफ द कंट्री पाकिस्तान वेयर डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ आर फाउंड. इंडस्ट्रीज़ आर शोड विद द डिफरेंट कलर्स लाइक ब्लू, ग्रीन, येलो, ब्राउन, रेड एट्सेट्रा. This map is showing the location of industries in Pakistan. The next point that is worth discussing is chemicals. Basic chemicals such as sulfuric acid, soda ash and caustic soda are used in many of our industries. For example, sulfuric acid is used in the manufacture of soap, paper, textiles, fertilizers and iron and steel. Pakistan has the raw material to make these, so its chemical industries have grown over the years. पाकिस्तान में डिफरेंट केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ भी कायम की गई हैं और सल्फ्यूरिक एसिड को इस्तेमाल किया जाता है मुख्तलिफ चीज़ें बनाने के लिए. फॉर एग्ज़ाम्पल सोप, पेपर, टेक्सटाइल, फर्टिलाइज़र, आयरन और स्टील. दीज आर द एग्ज़ाम्पल ऑफ द मैनो ऑफ द थिंग्स दैट आर मैनुफैक्चर्स एंड यूज इन सल्फ्यूरिक एसिड. अ नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स आर इन कराची, दाऊद खेल, रावलपिंडी एंड फैसलाबाद. दीज हेयर इन दिस पिक्चर यू कैन सी द सम केमिकल फैक्ट्री एंड एज इट इज़ रिटन हेयर देर इज़ द नंबर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड प्लांट्स आर फाउंड इन कराची, दाऊद खेल, रावलपिंडी एंड फैसलाबाद. सोडा ऐश इज़ प्रोसेस्ड एट कराची एंड खेड़ा. कास्टिक सोडा बेसिक केमिकल फॉर द टेक्सटाइल एंड द ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़. कास्टिक सोडा टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ में इस्तेमाल किया जाता है और ऑयल रिफाइनिंग इंडस्ट्रीज़ में. इट इज़ प्रोसेस्ड एट नौशहरा एंड कालाशाह काकू और इसे प्रोसेस किया जाता है, यानी इस पर इसे काम में लाया जाता है दो शहरों में, नौशहरा और कालाशाह काकू में. The next topic is vegetable and ghee and cooking oil. In 1949, there were two units producing ghee and the output was 4,000 tons. Today, there are numerous units producing over 1,023 million tons. The raw material for cooking oil and ghee is edible oil, 75% of which has to be imported. Major centers of the ghee and oil industry are in Karachi, Nawab Shah, रहीम यार खान, बहावलपुर, हरिपुर एंड दारगाई. दीज आर द सिटीज़ वेयर ऑयल इंडस्ट्रीज़ एंड सेंटर ऑफ द घी एंड ऑयल इंडस्ट्रीज़ फाउंड. एज़ वी नो दैट वेजिटेबल घी एंड कुकिंग ऑयल इज़ यूज्ड फॉर कुकिंग एंड फ्राइंग ऑफ आवर फूड एंड इट इज़ यूज फॉर डिफरेंट पर्पजेज. Come to the next point, that is fertilizers. Natural fertilizers such as cow dung, compost and manure have always been in short supply, so our farmers have to use chemical fertilizers. The first two chemical fertilizer plants were built at Daud Khel and Faisalabad. There are now many more fertilizer factories, however their production is not enough to satisfy the demand, so fertilizers have to be imported. During 2017-18, Pakistan produced over 4,907 tons of fertilizers. Fertilizers are used for plants that they produce rich crops. Come to the next point, that is cement.
In Pakistan, we have limestone and gypsum, which are used to make cement. पाकिस्तान में लेमस्टोन और जिप्सम इस्तेमाल किया जाता है सीमेंट बनाने के लिए. इन 1947 देर वर ओनली 5 सीमेंट फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान. व्हेन पाकिस्तान केम इन टू बीइंग देर वर ओनली 5 सीमेंट फैक्ट्रीज इन पाकिस्तान. देर आर नाउ मोर देन 25 सीमेंट फैक्ट्रीज, बट नाउ नाउ मोर फैक्ट्रीज आर इस्टेब्लिश्ड. And during 2017 to 18, they produced 31,228 million tons of cement. However, our cities and towns have expanded so rapidly that more cement is required to meet their needs. जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे शहर और कस्बों कस्बे तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे हैं, इनमें वसत आ रही है. इसकी वजह से सीमेंट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की ज़रूरत है. न्यू कंस्ट्रक्शन लॉज आफ्टर द अक्टूबर 2005 अर्थक्वेक हैव आल्सो एडेड टू द डिमांड फॉर मोर सीमेंट. 2005 में जो अर्थक्वेक आया उससे सीमेंट की डिमांड मज़ीद बढ़ गई क्योंकि नए घर बनाने की भी ज़रूरत पेश आई. द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉयल. Coal is found in seams underground in our mines. These seams are usually less than 1 meter thick, which makes mining very difficult. Coal mining in this region started in 1887. In Pakistan, coal is mined in the Sohar Range around Quetta and in Lower Sindh, from where it is transported by rail. पाकिस्तान में कोयला सोर रेंज और कोयटा और सिंध में पाया जाता है और वहाँ से ट्रांसपोर्ट किया जाता है रेल की मदद से. वेर एवर इट इज़ नीडिड 50% ऑफ पाकिस्तान कोयल इज़ इन द लोअर सिंध कोयल फील्ड्स विच इंक्लूड जिमपीर मेटिंग लाखड़ा एंड सोंडा थट्टा. Very large coal reserves have been discovered in Thar that have yet to be exploited. Pakistan has coal reserves of about 186 billion tons. During 2017 to 18, about 4,475,55 tons were mined. The coal found here is of low quality as it does not have a lot of carbon to make it burn well. Pakistan coal contain a lot of sulfur and produces a lot of ash and smoke. It is used mainly a brick kilns. Let's talk about iron, steel and engineering. The first large iron and steel plant, Pakistan Steel, was started in 1973 with Russian help. Russia की help से 1973 में Pakistan Steel का आगाज़ किया गया और Pakistan Steel plant जो है वो सबसे पहला बड़ा plant Pakistan में start किया गया. It was built close to the Bin Qasim seaport in Karachi. For this industry, iron ore, manganese and coking coal are imported. Steel is a very rough material that lasts a long time. It is used to make many things. Steel बहुत सी चीज़ों में इस्तेमाल होता है. Can you think of some things made of steel? क्या आप कुछ चीज़ों के बारे में सोच सकते हैं जो जिनमें स्टील इस्तेमाल किया जाता है? Yes, the most important thing that the where steel is used, these are the pots. जी, बर्तनों में स्टील के बर्तन जो हैं वो घरों में इस्तेमाल किए जाते हैं. इसके अलावा बहुत सी चीज़ों के लिए स्टील का इस्तेमाल किया जाता है. द पाकिस्तान मशीन टूल फैक्ट्री इन कराची वॉज सेट अप विद स्विस हेल्प इन 1968. हैवी इक्विपमेंट इज़ मेड एट अ फैक्ट्री इन टेक्सला विच वॉज सेट अप विद चाइनीज हेल्प इन 1970. Now there are also many privately owned steel and engineering plants throughout the country. Today Pakistan produces many small machines, tools and parts for automobile as well as heavy machinery for other factories, road, roller, truck, chassis and boilers. The automobile industry produces more than 1,683
एंड 83,000 व्हीकल्स ऑफ वेरियस टाइप्स ड्यूरिंग 2017-18। पाकिस्तान में बहुत सी मशीन्स, बहुत से टूल्स, कुछ ऐसा सामान ऑटोमोबाइल्स और बहुत सी हैवी मशीन्स जो फैक्ट्रीज में इस्तेमाल होती हैं, ये भी स्टील से बनाई जाती हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कॉटेज एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज। ऑल ओवर द कंट्री देर आर ब्लैक स्मिथ, कारपेंटर्स एंड अदर क्राफ्ट्समैन हु मेक टॉयज, फर्नीचर, डोर्स, विंडोज, यूटेंसिल्स, कटलरी, पोट्री, शूज, सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंडीक्राफ्ट्स, कारपेट्स एंड ऑर्नामेंट्स आउट ऑफ वुड, आइवरी एंड ब्रास। देर आर सो मैनी स्मॉल इंडस्ट्रीज आर फाउंड इन पाकिस्तान एंड दे मेड सो मैनी यूजेबल थिंग्स फॉर द कंट्री, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पाकिस्तान एंड ऑल दीज थिंग्स आर द आर फॉर द डेली यूज ऑफ पीपल। दीज थिंग्स मेक द लाइफ ईजी। देर आर पीपल ऑल्सो इन्वॉल्व इन वीविंग, डाइंग, प्रिंटिंग एंड टेलरिंग। ऑल दीज ट्रेज फॉर्म पार्ट ऑफ पाकिस्तान कॉटेज इंडस्ट्रीज। कम टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज टूरिज्म। टूरिज्म इज ऑल्सो सीन एज एन इंडस्ट्री एज इट ब्रिंग्स इन इनकम फ्रॉम टूरिस्ट हु विजिट वेरियस प्लेसेस ऑफ इंटरेस्ट इन आर कंट्री। टूरिज्म को भी एक इंडस्ट्री के तौर पर देखा जा सकता है क्योंकि इससे इनकम हासिल की जाती है। लोग मुख्तलिफ जगहों पर विज़िट करते हैं, सैर करने के लिए जाते हैं और वो पाकिस्तान के मुख्तलिफ मुकामात में दिलचस्पी लेते हैं, वहाँ पर जाना और वहाँ की सैर करना पसंद करते हैं। इन पाकिस्तान द नॉर्दर्न रीजन हैज़ बीन अ फेवरेट विद टूरिस्ट हु आर अट्रैक्टेड टू द ऑसम माउंटेन लैंडस्केप्स। टूरिस्ट पाकिस्तान के नॉर्दर्न एरियाज़ को काफ़ी ज़्यादा पसंद करते हैं, वो उनकी पसंदीदा जगह है क्योंकि यहाँ माउंटेनियस लैंडस्केप्स हैं। द नॉर्दर्न एरियाज़ नाउ नॉन एज गिलगित बल्तिस्तान आर फेमस फॉर शानदार पोलो फेस्टिवल, द ब्रीथ टेकिंग माउंटेन्स एंड द ट्रैकिंग एक्सपीडिशंस लीडिंग अप टू द खंजर पास। फर्दर साउथ आर स्वात एंड कगान विद देयर ब्यूटीफुल नेचुरल सीनरी एंड टू द नॉर्थ वेस्ट इज द हिस्टोरिक खैबर पास। द इम्पॉर्टेंट सिटीज़ स्पेशली द कल्चरली रिच सिटीज़ ऑफ लाहौर, मुल्तान एंड बहावलपुर एंड द हिस्टोरिक साइट्स ऑफ टेक्सला, हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो आर ऑल्सो ऑफ इंटरेस्ट ऑफ टूरिस्ट। पाकिस्तान में बहुत सी हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं जहाँ पर टूरिस्ट विज़िट करना पसंद करते हैं। इसके साथ साथ सवात, कगान, नरान के खूबसूरत कुदरती मनाजिर को देखना भी प्रेज़वर्दी है। आई विश यू गुड लक, डू योर बेस्ट, होप दिस लेसन नंबर 6 इज़ वेरी इंफॉर्मेटिव एंड इंटरेस्टिंग फॉर यू। आई विश यू बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच।